हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल पर्पस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, हमारी जो चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी थी वो 6 मार्च से उसकी आवेदन की तिथि स्टार्ट थी। देखिए दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी थी उसको हम उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसे हिंदी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहा जाता है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई थी आपकी चकबंदी लेखपाल की, वो आई थी 3 परीक्षा 2016, विज्ञापन संख्या था 2019। और उसमें क्या कहते हैं दोस्तों, ये देखिए, चकबंदी लेखपाल समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019, इसमें ऑनलाइन आवेदन जो रजिस्ट्रेशन की तिथि थी वो 6 मार्च 2019 से स्टार्ट थी। जो शुल्क जमा करना था वो 6 मार्च 2019 से था। और इसमें क्या कहते हैं, आपका जो सबमिट करने की अंतिम तिथि थी वो है 5 अप्रैल 2019 और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि थी वो थी 12 अप्रैल 2019। लेकिन दोस्तों, इसमें OBC और ST के सेट न होने से ये वैकेंसी को क्या काम किया गया कि निरस्त कर दिया गया। ये देखिए, जैसे कि दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा कि चकबंदी लेखपाल की सीधी भर्ती प्रक्रिया निरस्त। चलिए दोस्तों, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देती हूँ। OBC और ST श्रेणी के एक भी पद का विज्ञापन न निकालने पर किया गया फैसला, जांच के आदेश। इसमें दिया गया है दोस्तों कि प्रदेश सरकार ने चकबंदी लेखपाल के 1,364 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला किया है। इन पदों पर भर्ती के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक भी पद का विज्ञापन नहीं दिए जाने को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं पूरे प्रकरण की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व कुमार रेणुका कुमार ने उत्तर प्रदेश के चकबंदी आयुक्त को भेजे पत्र में पूछा कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पदों का विज्ञापन क्यों नहीं किया गया। अगर सीधी भर्ती के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण पहले से ही भरा हुआ है तो ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया, इन बिंदुओं की जांच जरूरी है। अपर मुख्य सचिव ने चकबंदी आयुक्त को कार्रवाई का जनशासन को जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं। शासन ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने और भर्ती के संबंध में पूर्व में जानकारी विज्ञापन को निरस्त करने के लिए कहा है। चकबंदी लेखपाल की सीधी भर्ती में कुल 1,364 पदों में से अनारक्षित श्रेणी के 1,002 और अनुसूचित जाति श्रेणी के 362 पद शामिल थे। लेखपाल भर्ती परीक्षा में OBC का कोटा निर्धारित नहीं किए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन और OBC को अनदेखी की जाँच करने की मांग की थी। देखा दोस्तों, चकबंदी लेखपाल सीधी भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने का कारण क्या था। दोस्तों, अभी ये वैकेंसी जरूर फिर से दोबारा आएगी, इसका हमें भी इंतज़ार है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।